आना। आप गौशाला में गए, गाय भेज दिया। गौशाला में एक गाय को या 100 गाय को रास्ता से पकड़े, फ्रॉम ट्रॉप लॉरी से पकड़े, गौशाला में भेज दिए। जी गौशाला वाले गाय का कैसा सेवा करते आजकल? सभी गौशाला में गाय का क्या कंडीशन है? गाय खुश हैं? गाय गौशाला में रह के खुश है? वो डिपेंड्स ऑन गौशाला है ना जी। नॉट डिपेंड ऑन गौशाला। आप बताओ गाय का घर कहाँ? किसान का घर। जी गाय खुश होती है फार्मर्स के घर में, गौशाला में नहीं। जी गौशाला तो बनाने के पीछे एक मजबूरी था। गौशाला क्यों बनाया गया? जब गाय बाहर घूमने लगे, लोग स्वार्थी हो गए, एजुकेटेड इडियट बन गए, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को गो रहित कर दिया, काउलेस। जैसा शिक्षा वैसा संस्कृति, जैसा संस्कृति ऐसा धर्म। शिक्षा अगर लॉर्ड मैकॉले वाली है, शिक्षा अगर को एजुकेशन है, शिक्षा अगर स्वार्थी और अहंकारी शिक्षा है, तो संस्कृति भी ऐसा हो गया। जी। और जैसे संस्कृति हो गया ऐसा धर्म हो गया। हमारा संस्कृति माने क्या था ना? गौ, गंगा, गीता, गायत्री। गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता, द बेस ऑफ आवर संस्कृति। एंड दिस इज, ये पूरा संस्कृति का बेस हमारा गुरुकुल से था, एजुकेशन सिस्टम से था। बट जब एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकॉले को एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हो गया, तो हमारा संस्कृति क्या हो गया? घर से गौ माता को हटाओ, गंगा माता को हटाओ, गीता माता को हटाओ, गायत्री माता को हटाओ, और अपना ही लड़का अपने माँ बाप को लात मार के ओल्ड एज होम में भेज देता। गौ माता गौशाला में खुश है क्या? नहीं। आपका माता पिता गौशाला में खुश है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, आपका माता पिता को वृद्धाश्रम में रखो, ओल्ड एज होम में रखो, बोले हम तो माता पिता के लिए माता पिता साला खोल दिया, ओल्ड एज होम खोल दिया, वृद्धाश्रम खोल दिया और उधर रख दिया, वाह कितना महान काम कर दिया। गौशाला खोल दिया, महान काम कर दिया। अरे मूर्ख, गौ माता है और गौ माता गौशाला में रहेगी, आपका घर में नहीं रह सकती, किसान के घर में नहीं रह सकती। अब सोचो एक गौशाला में 1000 गाय हैं, 1000 गाय को आप खाना खिलाओगे, केयर लोगे, 1000 गाय को प्यार दोगे, दे सकता है कोई? आज लड़के बोलते हैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके जूठा उठाएंगे, होटल में वेटर काम करेंगे, होटल में प्लेट धोएंगे, लेकिन गोबर उठाने नहीं जाएंगे। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। कैमरा को लिफ्ट करो ऊपर में थोड़ा सा। बोलता है कि नहीं बोलता? हाँ जी बोलता है। तो गौ माता कहाँ खुश होगी? घर में। फिर और एक गौशाला में मैं ऐसा ऐसा गौशाला देखा हूं, गाय एक बार गौशाला में घुस गई, एक ही खूंटी में बंधी हुई है, सूखा पुआल, सूखा स्ट्रॉ, कुछ दान का दिया हुआ गुड़ और चंदन का दिया हुआ कुछ काउ कैटल फीड। गाय खुश हो सकती है? आप साउथ से आए हो, फ्रॉम हैदराबाद और कर्नाटक, आपका नेचुरल डाइट क्या है? इडली, वड़ा, पोंगल, सांबर, चावल, दही वगैरह वगैरह खाते हो। आपको मैं एक ठो जेल में रख दूंगा और सबको समान डाइट,
चावल रोटी दाल, चावल रोटी दाल, खुश हो सकते हो। नहीं गाय गुहाल में रहती है, किसान के घर में रहती है, मनमर्जी घूमती है, खुद से खाती है पीती है, उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस, और संसार का कल्याण के लिए, पर्यावरण का शुद्धिकरण के लिए गाय घूमती है। इंडिपेंडेंट, आपको कैसा जिंदगी चाहिए? इंडिपेंडेंट जिंदगी चाहिए, बंधा हुआ गौशाला का जेल वाला जिंदगी चाहिए? इंडिपेंडेंट गौ माता खुश नहीं है, एक खूंटी में बंधी हुई है गौशाला में। कोई आया सेठ जी मारवाड़ी बनिया, कोई पापी आके उधर दे दिया पुआल और दान और चंदा, और गाय को दे दिया खाना, बंधी हुई है। गाय का दुख समझने वाला कोई नहीं है, गाय का सुख समझने वाला कोई नहीं है, गाय का पीठ में हाथ फेरने वाला कोई नहीं है, गाय को माँ कहने वाला कोई नहीं है, गाय को प्यार देने वाला कोई नहीं है। मैन पावर वो हर गौशाला में शॉर्टेज है, जी। हर मैन, और फिर टेक्निकल मैन पावर, मैन पावर तो बहुत है, आदमी बहुत है, लेकिन गौ माता के ऊपर, भूमि के ऊपर, खेती के ऊपर काम करने वाला आदमी कम है। हाथ बहुत है लेकिन सही काम करने वाला हाथ, बहुत कम है, पैर बहुत है लेकिन सही जगह में जाने वाला पैर बहुत कम है। नहीं है। तो ऐसा गौशाला में एक गाय को 5 साल 10 साल भर के रख दिया, और वो गाय सिसक सिसक के दुखी होके कष्ट पाके मर रही, और कत्लखाना में लेता है गाय को, खच करके काट देता है, कौन सा ठीक? उसमें तो गाय में आप ही ना बताइए, मतलब चर्म निकालने के बाद भी वो जिंदा रहता है ना, हाँ, चर्म लेकिन निकालने वो के तो बाद पूरा अगर 15 मिनट, दक दक 1 घंटा कष्ट पाएगी, 2 घंटा कष्ट पाएगी, और एक गौशाला में 5 साल तक कष्ट पाएगी। खड़ी है वहां कचरा में, गंदा में, 5 लेबर आया पानी मार के साफ कर दिया, खाना पीना ठीक नहीं है, गाय स्वाधीनता से घूम नहीं सकती है, खूंटी में रस्सी बंधा हुआ है या छोड़ दिए हैं, चर रहे हैं। मैं देखा यहाँ पे अभी जब रास्ते में आए थे। तो इनके साथ इंट्रोड्यूस कर दूंगा। आप जो समाधान पूछ रहे हो ना, समाधान एक ही है, वो है गोकुल गुरुकुल, गो आधारित शिक्षा व्यवस्था, गो आधारित जीवन व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, और गो माने कृषि आधारित, पर्यावरण आधारित, प्राकृतिक खेती आधारित। करेगा कौन? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कौन कौन करेगा? जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होता, जी जब तक आप गुरुकुल एजुकेशन परंपरा में आते नहीं हैं, जी जब गुरुकुल एजुकेशन, जैसे हमारा गुरुकुल में बच्चे लोग गाय के साथ जीते हैं, गाय को बचपन से अनुभव करते हैं, फिर वो गाय से गोबर का उपयोग करना जानते हैं, जी गाय का महत्व को समझते हैं, बचपन से गोमूत्र भी पीते हैं, बचपन से गोबर रस भी पीते हैं, बचपन से उस गोबर को लेके बहुत प्रकार का उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं, गोबर को लेके मुख्यतः खेती करते हैं बचपन से। जी जो नहीं हुआ बचपन में कहाँ से होगा बचपन में? जी बिल्कुल जी तो अभी आप इस उम्र में आओगे, बोलोगे कि मेरे को सब खेती कर लेना है, ये कर लेना है, और जिंदगी का 23 26 25 साल आप सॉफ्टवेयर में काम किए, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो सडन कैसे चेंज हो जाएगा? तो चेंज तो सडनली नहीं होगा जी, लेकिन धीरे धीरे तो धीरे होगा। धीरे होगा। तो आप सोचो, आपके पास अभी रास्ता में आप गाय रोकते हो, पकड़ते हो, गौशाला में भेज देते हो, या फिर फार्मर्स को दे देते हो,
एक गौशाला का कितना गाय रखने का कैपेसिटी है? 1,000, 5,000, 10,000, उसके बाद क्या करोगे? दूसरा गौशाला में दोगे, कितना कैपेसिटी है? उसका भी मैक्सिमम तो होगा। और सबसे खतरा क्या जानते हो? ये जो गौशाला वाले हैं, ये लोग भी इस देश के लिए बड़ा शत्रु है। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास 100 गाय, ठीक है, शुरू किया था 2 गाय से, 4 साल में, 5 साल में 100 गाय हो गए, बछड़ा बछड़ी हो गए, 5 साल 10 साल में 100 cow। अभी जो गौशाला 35 साल से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है, उसका गाय कितने हुए होंगे? उतना ही जो था। तो कहाँ गया सब गाय? कहाँ गया सारे सांड? किसको दे दिए? किसको बेच दिए? अगर टोटल ऑडिट किया जाए गाय का पूरा हिस्ट्री निकाल के, तो सम लाख होना चाहिए जी। कहाँ गया? अभी अपना राउरकेला में एक बड़ा सा मारवाड़ी बनिया गौशाला खोला है, डेयरी फार्म खोला है, 750 गाय, कितना साल का है? 20 साल, 30 साल का गौशाला है जी। तो 30 साल में 750 गाय हैं, कहाँ गए बाकी गाय? किधर दे दिया? बेच दिया होगा। किसको बेचा? पता नहीं, मतलब उसकी उसको ही पता होगा। तो कैसा गोसेवक है तुम? गोसेवक नहीं हो। वो बोला फार्मर्स को दे दिया। अगर फार्मर्स को गाय दे दिया, लेट फार्मर्स को दे दिया गाय और सांड, फिर रास्ता में जो ट्रक में जो गाय और सांड जाते हैं, वो कहां से आया? किधर से आया? एक मूर्ख हिंदू मेरे को बोलता है, हम ट्रक में गाय पकड़ा और किसानों को बांट दिया, फार्मर्स को बांट दिया। अगर बांट दिया तो रास्ते में जो ट्रक में गाय पकड़ा, वो कहां से आया? मिट्टी से निकल के आया था, फार्मर से ही। फार्मर से आया, फिर तुम फार्मर को दे दिया या गौशाला को दे दिया, तो फिर वो बेचेगा? फिर वो बेचेगा। करता क्या है? यू जस्ट वेस्ट योर एनर्जी, टाइम एंड स्पेस। रास्ते में गाय पकड़ लिया, बहादुरी किया, फोटो वोटो निकाल गया, आदमी लोग बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तीसरा दिन फिर क्या किया? बेच दिया, गौशाला को दिया या फिर फार्मर्स को दिया? फार्मर्स लेके क्या करेगा? पूजा। फिर वो बेचेगा कसाई को, दलाल को, टाउटर को, फिर तुम रास्ते में पकड़ोगे, फिर तुम बांटोगे। 27 साल से तो हम लोग यही कर रहा है। जिस दिन देखा कि जिस गाय को पकड़ा, वो फिर मरकट बाजार में खड़ा है, फिर वो किसान फिर बाजार में लेके आ गया है, फिर और कोई किसान बाजार में फिर उसको लेके आ गया है, और फिर हम ट्रक में पकड़ता है और फिर लेके गौशाला में देता है, गौशाला से फिर कोई चुरा के ले जाता है, छुपा के ले जाता है। 30 साल का गौशाला में कम से कम 3 लाख गाय तो होना चाहिए जी। लेकिन बनिया को फायदा चाहिए ना, प्रॉफिट चाहिए, करेगा क्या जी? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। जब तक गुरुकुल में एक बच्चा बचपन से गाय का वैल्यू को नहीं समझता है, गौ माता को माता बोल के नहीं समझता है, प्रैक्टिकली नहीं समझता है, तब तक गाय ऐसे ही बाजार में जाते रहेंगे। और जिस दिन छोटा सा बच्चा गाय को सच में मां मान ले, और जिस दिन उसको जान ले, और उसके बिना गाय का वो जिंदा रह नहीं सकता, और class 1 to 10 एंड मोर देन देयर इज +2 and +3, 15 ईयर जब वो गाय के साथ जिएगा, गाय के साथ वो जिंदा रहेगा, गाय को अनुभव करेगा, एक एक पल गाय के साथ रहेगा, तो गाय बेचेगा? बिल्कुल नहीं। मेरा गुरुकुल से जो लड़का निकला, वो बिना गाय का जी सकता है? नहीं नहीं, खुद नहीं खाएगा लेकिन गाय का सेवा करेगा जी। तब जाके गोरक्षा हो सकता है। सोचो, एक गौशाला में 1,000 गाय रखने के लिए कितना तकलीफ है, कितना मैन पावर चाहिए, उस मैन पावर में कितना पेमेंट चाहिए, और आजकल गोबर फेंकने के लिए आदमी नहीं, नहीं मिलता, वो लोग गाय का सेवा करेगा।
और उनका फिर कांटेक्ट है, अगर मेल गाय हुआ ऑक्स बुलक टाइप हुआ तो गौशाला में तो नहीं है। मैं वेलोर का भी गौशाला देखा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा गौशाला, ऑल इंडिया लेवल में घूम के आया हूँ। कहाँ गए? क्योंकि ट्रैक्टर में तो खेती होते हैं, बैल कहाँ जाते? तो इनडायरेक्टली दे सपोर्ट, ये अंग्रेजी षड्यंत्र था कि गौशाला खोलो। गौशाला कोई धार्मिक कार्य नहीं है। मैं तो अपने गोकथा में और बाकी एरिया में जब जाता हूं तो बोला गौशालाओं को तो पहले बंद करो, ये गौशाला जल्दी बंद हो जाना चाहिए, गौशाला जल्दी बंद हो जाना चाहिए, और गाय किसान के घर में रहना चाहिए क्योंकि उसका वो जगह है। किसान गौ को सम्मान देना सीखे, किसान गौ को जीना सीखे, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर दिया है कि किसान बाध्य है गाय को बेचने के लिए। किसान के पास आदमी नहीं है, मैन पावर नहीं। किसान का बेटा तो इंजीनियर डॉक्टरी पढ़ लिया, लेबर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए शहर चला गया है, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, और ज्यादा पढ़ा तो अमेरिका, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, डबलैंड चला गया। गाय कौन करेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गाय का सेवा कौन करेगा? ये जो डॉक्टर डाकू, गाय का सेवा कौन करेगा? ऑल द यूथ, जितने युवा हैं वो चले गए नौकरी करने के लिए, फिर गाय का सेवा कौन करेगा? जो गाय को समझता है। जो गाय को समझता नहीं है, अनपढ़ गवार, ठेपा छाप, लेबर क्लास बिल्कुल, गोरखे कैसे होगा? सबको तो नौकर बना दिया, चाकर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, और बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जापान, जापान भेज दिया, गोरखिया कौन करेगा? गाय का सेवा कौन करेगा? गाय को कौन समझेगा? गाय को बचाना है तो शक्ति चाहिए, और शक्ति कहाँ पर है? गुरुकुल में है। गोकुल, गुरुकुल, काउ रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम। जब उनको ये समझ में आएगा कि कल हम नौकरी करता है और महीना 30,000 50,000 कमाता है, और एक गाय मेरे को बिना नौकरी का, एक गाय सुखी बिना दूध का 1 लाख रुपया दे सकती है, गोबर और गोमूत्र से मेरे को मेरे जीवन में प्यार भर सकती है, स्वास्थ्य भर सकती है, और वो प्रैक्टिकल जब करने लगेगा तब जाके वो गाय के जीवन में आस ला सकता है और गाय के जीवन में उतर सकता है। ये काम जरूरी है, इसलिए करते हैं। मैं इसलिए सब रैली में जाना छोड़ दिया, प्रवचन प्रवचन भाषणबाजी छोड़ दिया, और एक ही कॉन्सेप्ट पे काम किया, गोकुल गुरुकुल। क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम में बोलता है काउ इज ए एनिमल हु गिव फ्लैश एंड मिल्क, दूध और मांस देने वाली जानवर, तो हाँ तो सही है जी क्या करेगा गाय का सेवा? जी ये तो एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है ना। मतलब छोटे छोटे लोग भी वही सीख रहे हैं, वही से ही मतलब वो लोग ऐसे ही समझ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा हम बढ़ जाते हैं, हम ये सब सीख लिया, बी बैचलर से ये सब पढ़ लिया, लेकिन जानता कुछ भी नहीं। मतलब उसको समझने के लिए क्या चाहिए जी? समझना चाहिए ना कि गाय एक माता है और कौ नहीं है। समझने समझने के लिए चाहिए ना, मतलब समझना है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसे खराब है। कौन समझाएगा? समझाएगा कौन? आप लोग जैसे नहीं, हम लोग ठेका ले रखे हैं, हम लोग खाली ठेका ले रखा है। मुसलमानों का गोली खाएंगे, कत्ल खानों का शिकार होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत गणतंत्र राष्ट्र है, जिधर वोट उधर कोट, जिधर वोट जाएगा सब उधर जाएंगे। आप गुरुकुल खोलो, 1,000 बच्चे हों, 5,000 बच्चे हों, 25,000 बच्चे हों, वो साले जितने चूतिया नेता है ना, सब आपका पैर तलवा चटेगा, आपका पैर में झुकेगा, फिर आप जो बोलोगे वही होगा। एक गुरुकुल में एक बच्चा एक गाय, 1,000 बच्चे 1,000 गाय, 25,000 बच्चे 25,000 गाय, गाय बच गए, बच गया। 10 साल में भारत का गौ संख्या बढ़ जाएगा, गौ माता का संख्या बढ़ जाएगा, गौशाला में नहीं बढ़ने वाला। और गौशाला में बढ़ा होता तो भारतवर्ष में 100 साल पुराना गौशाला है, 30 साल से गौशाला है, 60 साल से गौशाला है, और गौशालाओं का हालत जाके देखो, पस्त है। ये दो देख तीन गौशाला छोड़ देने से
मैं जितना घुमा हूं, दो चार गौशाला छोड़ देने से भारतवर्ष में बाकी सारे गौशालाओं का हालत खराब, सबका सबका। और वहां पर गौ माता को सिसक सिसक के मरना पड़ रहा है, दुखी है गौ माता वहां। हम मूर्ख लोग को आंख में दिखाई नहीं देता कि गौ वहां पर सुखी है कि दुखी है, गौ माता वहां आशीर्वाद दे रही है कि अभिशाप दे रही है। क्या गौ माता को कोई पूछा है आप गौशाला जाओगी? आपका माँ को और बाप को कोई पूछा है ओल्ड एज होम जाओगे, वृद्धाश्रम जाओगे और लेके भर दिए? तो देश का कल्याण कहां से होगा? और वहां पर गौशाला में जाके गाय सब वर्ण संकर हो जा रहे, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। वो सिंधी है तो गिर के साथ क्रॉस हो गया, गिर है तो वो किसी और गाय के साथ क्रॉस हो गया, फिर जर्सी संकरी गाय दुगली गाय के साथ क्रॉस हो गया, फिर वो पूरा गाय का प्रजाति ध्वंस हो गया। कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। गाय बच्चा के गौशाला में भेज रहे हो, गाय बच्चा के फार्मर्स को दे रहे हो और अपने में बोलते हो महान काम कर दिए। बल्कि आप पूरे सिस्टम को और ज्यादा तहस नहस कर रहे हो, और ज्यादा बिगाड़ रहे हो। गोरक्षा करना है तो एक ही मार्ग है, वो है गोकुल गुरुकुल खोलो। आपके पीछे हजार बच्चे अस्त्र शस्त्र लेके घूमेंगे, किसी माई का लाल में दम है गाय बेचने के लिए, गो कत्ल खाना में भेजने के लिए? कोई नहीं भेजेगा। जब हजार बच्चे गांव गांव में घूम के प्रचार करेंगे, गांव वालों को बोलेंगे आपका गाय चराने का प्रॉब्लम नहीं है, हम चराएंगे, आप हमको उधारी गाय दो और बदले में पैसा लो, कितना पैसा लेना है ले जाओ, क्योंकि एक गाय लाख रुपया में तो नहीं बेच सकते हो। हमारे उड़ीसा में तो 3,000 2,000 500 रुपये में गाय बेचते हैं। जब मेरा गुरुकुल का बच्चा ये बोलेगा कि आपको कितना चाहिए गाय, कितना रेट में बेचोगे? 3,000, हम 6,000 देते हैं, और हर साल 6,000 देंगे। फार्मर्स गाय किसको देगा? गुरुकुल को कि कसाई को? फार्मर्स गाय किसको देगा? गुरुकुल को कि कसाई को? कसाई को क्यों देगा जब कसाई उसको 3,000 दे रहा है और मैं हर साल 3,000 दे रहा हूं? मेरा नहीं गुरुकुल हर नहीं साल 3,000 दे रहा है, नहीं तो आपको देगा आपको फिर। देगा? तो गाय कौन बचे? गाय कैसे बचेगा? गुरुकुल से, गोकुल से गौशाला से नहीं, कसाई से नहीं। दिस इज ओनली वन पार्ट। आज के डेट में 1857 से 2016 तक हर काम कर दिया गया गोरक्षा के लिए, सत्याग्रह कर दिया, आप जैसे लोग रास्ता में गाय बचाए, ट्रक पकड़े, इंदिरा गांधी के पीरियड में सन्यासी लोग साधु सन्यासी लोग हड़ताल किया, और दिल्ली के जंतर मंतर में कितना प्रचार भाषण और मेमोरेंडम लिखित देना, सिग्नेचर कलेक्शन, सब सब 160 साल के अंदर सब विधा खत्म हो चुका है गोरक्षा का, नहीं हो पाया। ये जो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना और आरएसएस और ये सब बहुत भाषण दे दिया गोरक्षा के नाम पे, मैं आज 30 साल से सुन रहा हूं, लेकिन गोरक्षा का आंतरिकता है? अगर आंतरिकता होता तो हो गया होता, गोरक्षा करने का एक ही रास्ता है जो राजीव भाई बोल के गए, गुरुकुल खोलना है। हर जिला में, हर राज्य में, हर पंचायत में, जब आपका यूथ, आपका युवक, आपके बच्चे डॉक्टरी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं जाएंगे, काऊ इंजीनियरिंग पढ़ने जाएंगे, नॉट फॉर एलोपैथी डॉक्टर, गौपैथी डॉक्टर बनने जाएंगे, जब वो समझेंगे कि मेरा हेल्थ का अगर कोई गारंटी दे सकता है तो गाय, जब उसको समझ में आएगा कि मेरा अर्थव्यवस्था का कोई भी देगा तो वह गाय और भूमि। सो हेल्थ वेल्थ इज ओनली सोर्स दैट इज गाय, और दैट टू देसी गाय, नॉट जर्सी, नॉट हाइब्रिड काउ, होल्स्टन, नो नो होल्स्टन, तब जाके समझ। थैंक यू, स्टॉप।